जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और हनुमान जी को दिल से मानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हर परेशानियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी चमत्कारी चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जपना तो दूर, यदि एक बार सुन भी लिया तो चाहे कितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो वह आपके सामने घुटने टेक देगा और आपका सबसे प्रिय मित्र बन जाएगा। वो आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और इस चौपाई के बारे में मान्यता है कि स्वयं भगवान राम ने महाशक्तिशाली पंडित रावण का वध करने से पहले इन चौपाइयों का जाप किया था, जिसके प्रभाव से महाशक्तिशाली पंडित रावण भगवान राम का बाल भी बाका नहीं कर पाया था। दोस्तों दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता और असुरक्षा महसूस होती रहती है, जिसकी वजह से मनुष्य अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पाता है। लेकिन आज हम आपको जो चौपाई बताने जा रहे हैं, मात्र इनका जाप करने से भयानक दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। दोस्तों हनुमान जी आज भी अजर अमर है और अपने भक्तों की सदैव किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान राम और माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। हनुमान जी ही कलयुग में एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न होकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर हर परेशानियां दूर कर देते हैं और उनकी सारी परेशानियां खुद स्वयं ही हल लेते हैं। दोस्तों कोई भी संकट अपने भक्तों पर आने नहीं देते। मान्यता है कि जब मनुष्य किसी बड़ी परेशानी में घिर जाए और उसे निकलने का कोई मार्ग न दिखाई दे, तो उस समय यदि सच्चे मन से हनुमान जी के नाम का स्मरण भी कर ले तो स्वयं हनुमान जी किसी न किसी रूप में रक्षा करने अवश्य चले आते हैं और अपने भक्त की हर परेशानियां पल भर में ही दूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इस खास चमत्कारी चौपाई के बारे में। दोस्तों यह चौपाई कुछ इस प्रकार है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब जानते हैं इसे जपने की पूरी विधि। दोस्तों इस चौपाई का जाप करने के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही हनुमान जी के चित्रपट यानी प्रतिमा के सामने बैठकर सबसे पहले हनुमान जी को शुद्ध देसी घी मिलाकर सिंदूर लगाएं और गुलाब के फूलों का हार भी उन्हें पहनाएं। साथ ही साथ मीठे पान का भोग अवश्य लगाएं और सरसों के तेल का दीपक लगाने के बाद आपको इस चौपाई का जाप करना है। चौपाई इस बार फिर आपको बता देते हैं। चौपाई कुछ इस प्रकार है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों इस चौपाई का जाप प्रतिदिन नहीं कर सके तो मंगलवार या शनिवार को ही करें। इसमें इतनी शक्ति है कि किसी भी तरह की ऊपरी बाधा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। शनि मंगल से संबंधित सभी दोष शांत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति की कुंडली में उत्पन्न हुए समस्त अशुभ ग्रह दोषों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही कितने भी भयंकर दुश्मन क्यों ना हो आपके सामने घुटने टेक देगा और आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपका मित्र भी वह बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।